हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी और आज हम पढ़ने वाले हैं योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज का थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर क्या है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सेंटेंसेस क्या होते हैं? जी आपको पता है अब, बिकॉज हमने प्रीवियस चैप्टर में करा था, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को जब हम करेक्ट ऑर्डर पर रखते हैं और वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो वो होते हैं सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों जिसमें आ जाता है नो या नॉट। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेंटेंसेस दैट हैव नॉट और नो इन देम आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जिसमें आ जाए नॉट या फिर नो, जिसमें हम मना कर देते हैं किसी चीज के लिए, नो आ जाए या नॉट आ जाए तो वो हो जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, और यहाँ पर दो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको, जैसे तनिष वॉज नॉट वॉशिंग अ बाइक। तनिष बाइक नहीं धो रहा था। अगर यहाँ पर आ जाता तनिष वॉज वॉशिंग अ बाइक तो ये क्या होता? एक हमारा सिंपल सेंटेंस होता। नेगेटिव कैसे बन गया? जब हमने इसमें ऐड कर दिया नॉट। ओके, तनिष वॉज नॉट वॉशिंग अ बाइक। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डांस। मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हो गया नहीं है, जहां नहीं आ जाए वो सेंटेंस हो जाता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर यहाँ लिख देते हम आई हैव इंटरेस्ट इन डांस तो ये हो जाता हमारा सिंपल सेंटेंस। बट अब हम यहाँ पर कह रहे हैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन डांस तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जिसमें नो नहीं है। यहाँ पर जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं या हमें वो काम नहीं करना तो हम उसे कैसे लिखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम। ओके, सो ये है हमारी एक्सरसाइज ए, रीड दिस स्टोरी। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है बच्चों, आपको इसे रीड करना है। रीड दिस स्टोरी एंड अंडरलाइन द नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है, मतलब जिसमें भी हमें नो दिख जाएगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो मैं आपके लिए रीड करती हूँ स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। अंशिका कम हियर। अंशिका यहाँ आओ, मम्मी इज कॉलिंग यू। मम्मी आपको बुला रही है, सेड तनु। तनु ने कहा यू मस्ट टेक अ बाथ। ओके, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक अ बाथ, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, सेड अंशिका स्टैम्पिंग हर फुट, अपने फुट को ऐसे स्टैम्प कर। बट वी हैव टू गो टू स्कूल, लेकिन हमें स्कूल जाना है, हरी अप जल्दी करो, सेड तनु। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ये भी आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज इसमें क्या आ गया? नॉट आ गया। यहाँ भी नॉट आ गया और यहाँ भी नॉट आ गया। आई कैन नॉट गो, आई एम नॉट रेडी, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं बच्चों, पता चल रहा है ना आपको? ओके, सेड अंशिका। अंशिका ने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जा सकती, आई एम नॉट रेडी, मैं रेडी भी नहीं हूँ। वेल आई एम गोइंग, सेड तनु। तनु ने कहा मैं तो जा रही हूँ, मम्मी इज गोइंग टू पिक मी अप आफ्टर स्कूल, मम्मी मुझे स्कूल से पिक करने वाली है। ओके, स्कूल के बाद पिक करने वाली है। शी एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा, हम कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा जा रहे हैं। वी आर नॉट talking to you, हम तुमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। We are not, not आ गया, तो ये हो गया negative sentence. You can stay at home with Bhim Singh, तुम Bhim Singh के साथ घर पर रह सकती हो। Oh, said Anshika, let us go to school, हम स्कूल चलते हैं। I can take a bath now, मैं अभी नहा लेती हूँ। Is mummy going to buy us ice cream too, क्या मम्मी हमें ice cream भी दिलाने वाली है? So है ना बच्चों interesting story, लेकिन इसमें जहां भी नॉट वाले सेंटेंसेस हैं आपको उन्हें अंडरलाइन करना है। ओके, सो चलिए ये एक्सरसाइज तो हमारी हो गई, अब हम आगे चलते हैं। सो रीड दीज सेंटेंसेस, आपको इन्हें रीड करना है। शी इज हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी,
तो कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ गया, राइट? आई हैव एन इशू, मुझे एक इशू है. आई हैव नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है. सो कौन सा हो गया वो सेंटेंस जिसमें नो आ गया, राइट? सो वी यूजुअली प्लेस नॉट, हम यूजुअली जब सेंटेंस में, यूजुअली मतलब ज्यादातर, जब हम ज्यादातर नॉट या नो लगाते हैं तो किसके बाद लगाते हैं? आफ्टर द वर्ब. ओके, तो मैंने आपको बताया था इज, हैव, ये सब क्या होती है बच्चों? ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो इनके बाद हम लगाते हैं नो या नॉट. ओके, सो ये याद रखना है कि हम नॉट और नो को सेंटेंस में कहाँ लगाते हैं? वर्ब के बाद लगाते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. तनिष वॉज रीडिंग अ बुक. तनिष वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. ओके, जब यहाँ पर सेंटेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब हो जैसे वॉज है और एक मेन वर्ब हो तो कहाँ पर लगेगा नॉट? देन नॉट इज प्लेस आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. तो नॉट कहाँ प्लेस होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस होगा. जैसे यहाँ हो गया तनिष वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. ओके, तो बच्चों आपको याद रखना है कि नॉट और नो आर नेगेटिव वर्ड्स. ये कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं. ओके, चलिए आगे चलें एक्सरसाइज की तरफ. ओके, एक्सरसाइज बी इज मेक दीज सेंटेंसेस नेगेटिव. इन सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है बाय एडिंग नॉट और नो एट द करेक्ट प्लेस. एड करके नॉट और नो को करेक्ट जगह पर, ठीक है? तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ बना सकते हैं इन्हें. ओके, द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द क्लासरूम. बच्चे क्लास में चिल्ला रहे हैं. अब हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हम लगा देंगे स्टूडेंट्स आर नॉट शाउटिंग इन द क्लासरूम. ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है इस तरह से. द स्टूडेंट्स आर नॉट shouting in the classroom. Okay, so chaliye, I am happy. I am not happy. Okay, chaliye, Ram is drawing a picture. Ram is not drawing a picture. Okay, he was eating rice. He was not eating rice. आपने इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और पूरा पूरा लिखना है. जैसे कि he was not eating rice. Okay? They are working very hard. They are not working very hard. We were asked to park outside the house. We were not asked park outside the house. So, इस तरह से हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. हमें इन्हें भी ऐसे ही चेंज करना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद वी विल प्लेस नॉट और नो. आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई एम नॉट गोइंग टू द market. I am not going to the market. They are coming with us. They are not coming with us. Okay? He is waiting for you. He is not waiting for you, right? He was quite sure about it. He was not quite sure about it. Okay, बच्चो, है ना easy? So इस तरह से हम इनको बना लेंगे. चलिए अब आगे चलते हैं. They were playing football, so they were not playing football. The boy can speak English very well. The boy
cannot speak English very well. She must come with us. She must not come with us. You should come here again. You should not come here again. तो इस तरह से बच्चों अब आप इन सब को अपने होमवर्क में करेंगे. ओके एंड इट इज वेरी इजी. आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, नॉट या नो ऐड करना है. ओके चलिए आगे चलते हैं. यस दिस इज अ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल टॉपिक. ओके ये एक लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल टॉपिक है. आपको इसे सुनना है और फिर प्रैक्टिस करनी है. और आपका टॉपिक है बच्चों फेस्टिवल्स. ओके तो फेस्टिवल्स में हम मैं आपको ये सारी कॉन्वर्जेशन पढ़ के दिखाऊंगी. कॉन्वर्जेशन का मतलब जो यहाँ पर सारी बातें हुई हैं. ओके गरिमा वर्न दीज फेस्टिवल ग्रेट फन. फेस्टिवल्स में कितना मजा था. प्रियांशु लोहरी एंड मकर संक्रांति. ओ यस अरे हाँ लोहरी और मकर संक्रांति. गरिमा वी सेलिब्रेट पोंगल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम हमने पोंगल सेलिब्रेट किया तमिलनाडु में. इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये बहुत प्योर फेस्टिवल है, बड़ा पवित्र फेस्टिवल है. ठीक है प्रियांशी. अब प्रियांशी ने कहा लोहरी मस्ट बी द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. इजंट सो प्रियांशु. प्रियांशु लोहरी ही होनी चाहिए पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल. योर मदर गेव अस दैट लवली खीर मेड विद राइस एंड शुगर केन जूस. तुम्हारी मम्मा ने हमें बहुत अच्छी खीर खिलाई थी. शुगर केन जूस मतलब जो गन्ने का जूस होता है और राइस से बनी हुई, चावल से बनी हुई. एंड गरिमाज मदर मेड राइस एंड दाल खिचड़ी कुक्ड इन गुड़. और गरिमा की मम्मा ने दाल और राइस की खिचड़ी खिलाई थी जो उन्होंने गुड़ में पकाई थी. ओके तो ये सब फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं सारे बच्चे. अब अमर कहता है आई लव द स्वीट राइस. मुझे तो मीठे चावल पसंद है दैट योर मदर मेड गरिमा. इजंट इट ग्रेट हाउ ऑल दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मिडल ऑफ जनवरी ऑल ओवर द कंट्री. मुझे तो गरिमा वो मीठे चावल पसंद है जो आपकी मम्मा ने बनाए थे. और ये कितना अच्छा है ना कि सारे जो फेस्टिवल हैं वो मिड जनवरी में मनाए जाते हैं. पूरे देश में हम मिड जनवरी में फेस्टिवल्स मनाते हैं. सो गरिमा कहती है यस वी थ्रू पॉपकॉर्न एंड ग्राउंडनट्स इनटू दैट ह्यूज फायर एट प्रियांशुस प्लेस. हमने प्रियांशु के घर पे फायर में क्या फेंका था, पॉपकॉर्न और मूंगफली फेंकी थी ग्राउंडनट्स जो बहुत बड़ी आग के सामने. राइट लोहड़ी में करते हैं ना. I also enjoyed the singing. मैंने singing भी enjoy किया, dance भी enjoy किया around that fire. Wasn't it great fun, Priyanshi? Priyanshi कितना मजा आया था ना? Priyanshi, yes, it was. हाँ, आया था. और in Maharashtra we celebrate Makar Sankranti. हम Makar Sankranti celebrate करते हैं by making तिल and गुड़ लड्डूस. क्या बनाते हैं Makar Sankranti पे? तिल और गुड़ के लड्डू. Priyanshu कहता है but It's not in the same month, is it? लेकिन ये same month में तो नहीं आता. आता है क्या? प्रियांशी कहती है, Oh yes, it is. It falls in the middle of January. ये भी January के middle में ही आता है, mid में ही आता है. गरिमा कहती है, How nice that we live near each other. कि हम सब एक दूसरे के पास रहते हैं and can celebrate our festivals together. और अपने festival को एक साथ celebrate कर सकते हैं. तो बच्चों इन्होंने किस फेस्टिवल की बात की? इन्होंने लोहड़ी की बात की. इन्होंने किसकी बात की? पोंगल की बात की. इन्होंने मकर संक्रांति की बात की. राइट इन्होंने इन सब की बात की ना. सो अब आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही बातें करनी है कि आपको कैसा फील होता है इन सारे फेस्टिवल्स पे. होली दशहरा दिवाली एंड क्रिसमस. आप चार चार फ्रेंड्स का ग्रुप बना के इन सारे फेस्टिवल्स के बारे में कॉन्वर्जेशन करो बच्चों इंग्लिश में. राइट दैट व्हाट डू यू डू इन द दीज फेस्टिवल्स. आप क्या करते हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या गिफ्ट्स एक दूसरे से लेते देते हो. सो इससे क्या होगा बच्चों, आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स, आपकी बात करने की जो स्किल्स है ना वो अच्छी हो जाएगी. ओके सो इस तरह से आप भी अपने ग्रुप को बना के अपने ग्रुप में इन चारों फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया और आपको कितना मज़ा आया. ठीक है और ये फेस्टिवल्स कब कब आते हैं, इस तरह से आपको ये कॉन्वर्जेशन करनी है बच्चों इंग्लिश में. सो आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएंगी. राइट ओके
Thanks for watching. Have a nice day.